आपका चाहिए। एक मजबूत झारखंड हम बनाना चाहते हैं, हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अपने बजट का 60 रुपया 60% बजट का 60% गांव की खेती पर, गांव के जीवन पर, गांव के विकास पर खर्च करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार हमने लिया है, झारखंड में कानून का राज स्थापित होगा, संविधान का राज स्थापित होगा। झारखंड के नौजवानों को यहां के कृषि व्यवस्था के आधार पर, यहां की खड़ी संपदा के आधार पर खुलने वाले उद्योगों के माध्यम से स्थानीय नौकरी लोगों को नौकरी दिलाकर और उनकी बेरोजगारी को दूर करेंगे। आज मजबूरी है हमारी, हमारी बहु बेटियां, हमारी बेटियां जाती हैं दूसरे शहरों में काम करने के लिए, उनको झारखंड में रोजगार दिलाना हमारा काम होगा, हमारा फर्ज होगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ये खंडांतकारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी, इसके उम्मीदवार मंत्री कांग्रेस के उम्मीदवार एक निर्णय अपने मंत्रित्व काल में झारखंड सरकार में लागू नहीं कर पाई। रोज घोषणाएं हुई शिक्षकों की नियुक्ति की, 12 शिक्षकों के स्थायीकरण की, कोई पूरा नहीं हुआ। मैं 12 शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं और स्कूल के बच्चों से भी कहना चाहता हूं, आने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूल के शिक्षकों की समस्या, 12 शिक्षकों की समस्या का पूर्ण समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हम आगे करने की चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कभी शिक्षा मंत्री का कुछ एक भी निर्णय लागू नहीं होने दिया, और इनका क्या करेंगे भाइयों? शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री बने तो कोयला ही खा गए, और हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो कहा कि झारखंड में बहुत खनिज है, हम खनिज विभाग अपने पास रखेंगे। बड़ा खनिज तो भारत सरकार के अधीन है, छोटा खनिज झारखंड राज्य सरकार के पास था। बाप खाया कोयला, बेटा खा गया बालू। मुझे याद है रिमांस मिनिस्टर का, जब हमारी सरकार थी झारखंड में हमने बालू फ्री कर दिया था, जो चाहे जनता उठाए और अपना घर बनाए। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि बॉम्बे के ठेकेदारों को बालू भेज आया? बालू से तेल निकालने वाली यह सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बेईमानियों की सरकार है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, झारखंड को निराशा से बचाइए, झारखंड के किसानों को उदासी से बचाइए, झारखंड में कानून का राज स्थापित करिए। एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, फिर दोबारा आपके पास हम वोट मांगने अभी पूरा न किया तो नहीं आएंगे। 5 साल झारखंड को रास्ते पर लाने के लिए, विकास की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए और बेरोजगारों को काम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की निर्माता पार्टी है उसको आप मौका दीजिए। बहुत जोरदार प्रत्याशी आपको हमने दिया है। मेरे साथ 2000 से 2005 तक हम विधानसभा में थे, इतना मुखर विधायक मैंने आदिवासी समाज में बहुत कम देखा है। जमकर बोला, सब समाज के लिए बोला, सदानों की समस्या हो, आदिवासियों की समस्या हो, हक की बात, न्याय की बात जब भी जरूरत पड़ती थी विधानसभा में दिनेश उरा उठ करके गरजता था और दौड़ करके बोलता था। और 10 वर्षों तक पार्टी ने अग्नि परीक्षा लिया, 10 वर्षों तक इंतजार किया। अग्नि परीक्षा में सीता की तरह, जगत जननी सीता की तरह पास होकर के दिनेश उरा आपके सामने खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। मेरी प्रार्थना है, आशीर्वाद दे दीजिए, कमल फूल पर मोहर लगाकर नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करिए, दिनेश उरांव को जिताइए, झारखंड की हक की लड़ाई विधानसभा में गूंजेगी। यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राय जी का। अब मैं अपने भारतवर्ष के आदरणीय गृहमंत्री और राजनाथ सिंह जी से उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी और भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री सुदर्शन जी भगत, प्रदेश मंत्री श्री भूपन साहू, जिलाध्यक्ष श्री वी जी मिश्र, श्री ओम सिंह जी, श्री विधायक श्री कमलेश यूराम, श्रीमती उषा देवी, श्री शविंद्र कुमार सिंह जी, श्री सुबोध कुमार लाल, श्री रविंद्र जी साहू और विशुरपुर के प्रत्याशी श्री शमीर उराव और इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री दिनेश उराव, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, बहनों भाइयों, जितना बड़ा हुजूम अपनी आंखों के सामने मैं इस मैदान में देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब यह पक्का हो गया है कि क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि दिनेश उराव को भारी मतों से विजय दिलाकर हमें झारखंड की विधानसभा में भेजना। दिनेश उराव को मैं बहुत पहले से जानता हूं, साल दो साल से नहीं, मैं कह सकता हूं कि लगभग 10-15 वर्षों से दिनेश उराव को मैं जानता हूं, लेकिन दिनेश उराव को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना। और दिनेश उराव को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं, इतना बड़ा हुजूम आज यहां पर इकट्ठा हुआ और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने हम लोगों का भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाई है, तालियां बजाई हैं, लेकिन शिष्टाचार का तरीका एक तकाजा है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुदर्शन भगत को दूसरी बार चुनकर संसद में भेजा है। जैसा आपका विधायक होने जा रहा है वैसा ही आपने सांसद भी चुना है। और मैं कह सकता हूं कि सुदर्शन भगत को मैं पहले से जानता हूं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे सुदर्शन भगत की ईमानदारी पर कोई मां का लाल सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकता। और इन दोनों जनप्रतिनिधियों को देखने के बाद और वैसे ही हमारे सभी उड़ाव जो यहां से विधायक, उनको भी बोलते हुए मैंने सुना, बहुत अच्छा। और इन तीनों जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुना है, इन जनप्रतिनिधियों को देखने के बाद मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, आपकी समझ पर भी कोई मातालाल सवालिया निशान नहीं लगा सकता। आप जागरूक हैं, समझदार लोग हैं, नीर और क्षीर का विवेक करना आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसी अपने विवेक का आपने परिचय दिया है। और आपने सचमुच करिश्मा किया है, आपने, हिंदुस्तान की जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में, दुनिया के किसी दूसरे देश का व्यक्ति यह कल्पना नहीं करता था कि भारत में भी बहुमत के आधार पर किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, कोई कल्पना नहीं करता था।
हम लोग भी जब दुनिया के दूसरे देशों के लोग आते थे उनका प्रतिनिधिमंडल तो मुझसे मिलता था तो हम लोग भी थोड़ा दबे दबे सहमे सहमे बोलते थे कोशिश कर रहे हैं कि हमको बहुमत मिल जाए। लेकिन ईमानदारी की बात है कि एकदम बहुमत मिल जाएगा इसकी हमको कल्पना नहीं। परीक्षा किया है केंद्र में हमारी बहुमत के आधार पर सरकार बन गई है। आज यदि आपकी अदालत पर खड़ा हूं बहनों भाइयों तो यकीन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपने दिल्ली में तो सरकार बना दी लेकिन रांची में भी हमारी सरकार बननी चाहिए। आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। बहुत छला है दिल्ली की कांग्रेस की सरकारों में, झारखंड कोई भी अस्थायी सरकार यहां नहीं चल रही, बराबर सरकार को हिलाते बुलाते रहते, सरकार को बराबर यहां कमजोर बनाकर रखने की कोशिश की उन्होंने। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रश्न है, चाहे वह झारखंड विकास मोर्चा हो, यह सब सारे लोग कभी यहां समर्थन देते थे कांग्रेस को और कभी दिल्ली में समर्थन देते थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? इंसाफ का तकाजा है मेरे बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। इस हकीकत को इन राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। कोई सिद्धांत नहीं, कोई वसूल नहीं, चाहे जैसे जो सत्ता में है उसी के साथ मिल जाए। इन लोगों ने आपके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन आज झारखंड का जो मैं माहौल देख रहा हूं चारों तरफ, मैं ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वे एजेंसियों ने, चाहे वो हमारा झारखंड हो अथवा जम्मू काश्मीर हो, यहां दोनों राज्यों की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि झारखंड में भी और जम्मू काश्मीर में किसी की सरकार यदि बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह विश्वास व्यक्त किया है। और यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, सरकार बनाइए, तो मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आपने हिन्दुस्तान में सारी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाते हुए और चलाते हुए भी देखा। कांग्रेस के तो बहुत लंबे समय तक आपने सरकार बनाते हुए और चलाते हुए देखा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता क्या यह सच नहीं है कि 98 से लेकर 2004 तक भले ही हमें बहुमत हासिल न हुआ लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हमने मिलीजुली सरकार चलाई है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे बेहतर सरकार चलाने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और सच्चाई को जब जब कांग्रेस की हुकूमत आती है महंगाई बढ़ने लगती है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि अटल जी की सरकार आने के बाद महंगाई पूरी तरह से रुक गई थी और लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को काबू में रखने में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी? कौन सी सच्चाई को रखा गया? जहां तक राज्यों का सवाल है, आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, जहां भाजपा की सरकारें हैं, जाकर कोई देखे। आज के 10 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ कैसा था, आज उसी छत्तीसगढ़ की राजधानी और छत्तीसगढ़ का बदला हुआ स्वरूप आपको नजर आया। आज सभी एजेंसियां इस हकीकत को स्वीकार करती हैं कि इस हिंदुस्तान में बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह भाजपा है। सही स्वीकार करते हैं। और आपको तो मालूम होगा गुजरात में हमारे उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो करिश्मा किया था, जो विकास किया था, कि गुजरात हिंदुस्तान के लिए ही एक विकास का मॉडल नहीं था बल्कि सारी दुनिया के लिए विकास का मॉडल बन गया, सारी दुनिया। आपने नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, आपने बनाया। क्या यह सच नहीं है
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने भी अपने फर्ज को अदा किया है। जिस भारत को दुनिया के लोग कमजोर भारत समझते थे, उस भारत का मस्तक 6 महीनों के अंदर ही सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो उसी समय मैं अमेरिका गया था। जैसे यहां पर लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे ही वहां पर कांग्रेस और सीनेट होती है। लोगों ने दावत दी, किसी ने दोपहर का भोजन दिया, किसी ने रात का भोजन दिया, किसी ने नाश्ता पर बुलाया। अंतिम समय जब मैं चलने वाला था तो सीनेट के यानी राज्यसभा के जैसे यहां की राज्यसभा है एक बड़े नेता ने मुझसे धीरे पूछा, ये बताइए आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है तो क्या आपको जानकारी नहीं है कि अमेरिका ने नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने कहा मालूम है। तो उन्होंने कहा कि आपने किसी नेता से बात ही नहीं की, यह प्रतिबंध समाप्त होना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी को वीजा दिया जाना चाहिए ताकि वह अमेरिका आ सके, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो मैंने कहा मैं अमेरिका आया हूं तो अमेरिका से भीख मांगने नहीं आया हूं, याचना करने के लिए मैं नहीं आया। और नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका आने के लिए लालायित नहीं है। लेकिन चलते समय मित्रों धीरे से उनकी कान में मैंने कह दिया, सुन लो, 6 महीने के बाद हिंदुस्तान की जनता ऐसे हालात पैदा कर देगी, यही अमेरिका रेड कार्पेट बिछाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का हार्दिक अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा। टेलीविजन के पर्दे पर आपने देखा होगा वही हुआ। जैसे लगा कि सारे हिंदुस्तान के लोगों का राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग उठा हुआ, सबका गौरव के साथ मस्तक ऊंचा हो गया। और सरकार बनने के बाद जो लगातार 10 वर्षों से महंगाई बढ़ रही थी 6 महीने के अंदर उस पर लगाम लगा दी। क्या यह बात सच नहीं है? 6 महीने के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि महंगाई को एकदम हम लोगों ने 98 वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। देखो रोका है कि नहीं रोका है, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आपसे मैं सवाल का जवाब चाहता हूं। जो महंगाई कांग्रेस के शासनकाल में 10% तक पहुंच गई थी उसको 5% के नीचे ला दिया। जिस कांग्रेस के शासनकाल में बराबर हर महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहती, उस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी 13 से लेकर 14% तक की कमी ना आई। और आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं 6 महीने के अंदर हम लोग महंगाई का ऐसा गला दबाएंगे, ऐसा गला दबाएंगे ताकि महंगाई फिर पनपने का साहस नहीं कभी जुटा पाएगी, ऐसी स्थिति हमें आ पाएगा। महंगाई यदि बढ़ी है कांग्रेस के शासनकाल में तो इनकी गलत नीयत के कारण, इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण और भ्रष्टाचार के 3 कारण थे, जिन 3 कारणों से हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है। और महंगाई की सर्वाधिक मार यदि किसी को झेलनी पड़ती है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, हमारे आदिवासी भाई, अनुसूचित वर्ग के भाई, सदान वर्ग में जो मध्यम वर्गीय लोग, उन लोगों को इसका खामिया जब भुगतना पड़ता है। इसलिए पहला काम हमारी सरकार ने 6 महीने में ही करके दिखाया। दूसरी चीज, अभी हमारे दिनेश राम से चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री, हमारे सुदर्शन भगत जी, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या कमाल है। पता नहीं आपको सभी को जानकारी है अथवा नहीं है, हम लोगों ने फैसला कर लिया भले ही कोई आसमान के नीचे क्यों न रहता हो, खुले आसमान के नीचे क्यों न रहता हो, 1 साल के अंदर हिंदुस्तान में ऐसा एक परिवार भी शेष नहीं बचने देंगे जिस परिवार के पास पैसा हो या न हो, बैंक में वह जमा करे या न करे,
उसका बैंक में खाता न खुल जाए ऐसा एक भी परिवार हमें से हिन्दुस्तान में शेष नहीं बचे। भले ही वो सिसही की सड़क पर भीख क्यों न मांगता हो, उसका भी खुलेगा खाता, पैसा नहीं जमा करेगा तब भी उसका खाता, जीरो अकाउंट जो बोलते हैं तब भी खाता खुलेगा। आप यह कहेंगे कि अब यह खाता खुलने से क्या होने वाला है, क्या कमाल हो जाएगा। बहनों भाइयों, आपको यदि जानकारी होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो मैं बताना चाहता हूं। आपके परिवार का मासूम बच्चा भी यदि दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो जीवन बीमा 1 लाख रुपया लेकर आपके घर पहुंच जाएगा और 1 लाख रुपया आपकी हथेली पर रख देगा। यह कमाल है प्रधानमंत्री जनधन योजना। भविष्य के प्रति आप आश्वस्त हो जाएंगे कि 1 लाख रुपया तो हमारी पक्की का है। किसने दिया है? और मैं जानता हूं विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों का वजीफा, स्कॉलरशिप, मनरेगा का पैसा, खाद की सब्सिडी, किसानों के हाथों में, जवानों के हाथों में, बुजुर्गों के हाथों में पहुंचती ही नहीं, पहुंचेगी भी तो आधी अधूरी पहुंचेगी। इसीलिए हम लोगों ने कहा सबका बैंक में खाता खोलता, सरकार की कोई भी सहायता जो मिलने वाली है वह दिल्ली के बैंक के खाते से निकलेगी और सीधे सिसरी में जो आपका बैंक का खाता खुला है उसमें पहुंच जाएगी। बिचौलियों को हम पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। जो सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए वह आधा अधूरा लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा एक एक पाई उनके खाते में जमा होना चाहिए। यह फैसला किया है। वैसे ही मैं जानता हूं कि भारत यह नौजवानों का देश है, हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश है बहनों भाइयों जिस हिंदुस्तान में 35 साल की उम्र के 65% हो, और ये 65% लोग नौजवान हैं। इन नौजवानों के मजबूत हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए एक नई योजना हम लोगों ने जारी की है, मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया। दुनिया के सारे पैसे वालों से, पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से हम कह रहे हैं अरे आप छोड़ो अपना देश, आओ भारत में बहुत बड़ी बाजार मिलेगी, 125 करोड़ की जनसंख्या है, अपनी पूंजी लगानी है तो भारत में लगाओ, 100 पैसे में 49 पैसा तुम्हारा, 51 पैसा हमारा, मालिकाना हक हमारा, भारत में उद्योग लगाओ। भारत में उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। अब माल ऐसा भी तैयार करेंगे हम लोग, ऐसा तैयार करेंगे, अब तक जिस सामान पर मेड इन जर्मनी लिखा होता है, मेड इन जापान लिखा होता है, मेड इन अमेरिका लिखा होता है, आप लोग कहते हैं अरे सबसे अच्छा सामान यही है, यही खरीदना चाहिए, लेकिन हम लोग क्वालिटी ऐसी तय करना चाहते हैं कि भारत की फैक्ट्रियों का बना हुआ सामान यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाए तो जिस सामान पर मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका लिखा हुआ हो उसे लोग न खरीदें, बल्कि उसी सामान को खरीदें जिस पर कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। यह स्थिति हम पैदा करना है। जवान 8% 10% 12% कैसे नौकरी मिले उनको, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब तो रख नहीं दे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उनके अंदर हुनर पैदा करें, और हुनर पैदा करने के बाद वह नौजवान अपना उद्योग खड़ा करे, रोजगार खड़ा करे। सवाल होगा कि पैसा कहां से आएगा, तो हम लोगों ने तय किया है बैंकों को निर्देश देंगे ऐसे नौजवान जिन्होंने 4-6 महीने की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जिनके अंदर हुनर पैदा हो गया, ऐसे नौजवान यदि रोजगार के लिए, उद्योग के लिए छोटे मोटे यदि पैसा मांगते हैं तो उन्हें 2% ब्याज दर पर बैंकों से कर्ज मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि वह छोटा मोटा व्यापार कर सकें, और जो हम माल तैयार करेंगे वह राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें खरीदेंगी और जहां बाजार होगी उन बाजारों में ले जाकर बेचेंगी।
यह तरीका है। तो बहनों भाइयों, भारत को सचमुच हम एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, ऐसे भारत के रूप में हम भारत को खड़ा करना चाहते हैं। दुनिया माने कि धरती पर कोई ना कोई एक ऐसा देश है, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या है यहां पर पानी वानी सब मिल रहा है? सब ठीक ठाक, कोई समस्या तो नहीं है? पानी नहीं आ रहा है, पीने वाला भी नहीं, खेतों की सिंचाई विचाई की व्यवस्था है कि नहीं? क्यों भैया उधर बताओ, सिंचाई विचाई की व्यवस्था है कि नहीं? अच्छा, पानी में सड़क तक तो सब बन गई है चमाचम ना, वो भी। अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह तो सब ठीक ठाक चल रहा है, वो भी नहीं। अरे हॉस्पिटल तो है भाई, हॉस्पिटल है ही नहीं? अरे है तो उसमें डॉक्टर हैं कि नहीं है? डॉक्टर है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर आए तो दवाई नहीं है क्या? दवाई है, ये हालत। अच्छा ये बताओ, बिजली जी तो ठीक ठाक आ रही है? क्या बात है, बिजली आई नहीं गई तो भाई बहुत तकलीफ होती होगी आप लोगों को, क्योंकि आप दिन भर काम करने के बाद घर में जाते होंगे, दिन भर काम करने के बाद जब आप घर में जाते होंगे बिजली गायब, अंधेरा अंधेरा, न घरवाली का चेहरा आप देख पाते होंगे, न घरवाली आपका देख पाती हो। बहुत मैं आपकी तकलीफ को मैं समझ रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इन संकटों से निजात दिलाने के लिए आप यहां पर मजबूत सरकार बनाइए। और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 81 में 50 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, 50 से अधिक सीटों पर यह जानकारी प्राप्त हो रही है। तब दिनेश राव को जिताकर भेज देंगे, पक्की गारंटी पक्का नहीं यार, सब लोग हाथ ही नहीं उठाएंगे इतने समय। क्यों भैया आप बताओगे, वो जिया दिखाएंगे, सब लोग हाथ उठाकर बतलाइए, एकदम मैं मान लूंगा पक्का। पीछे के लोग जो वहां बैठे हैं मैं मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, फिर ही देख के मैंने मान लिया। हालांकि जम का बटन दबाइए, झूम का बटन दबाइए, ताकि हम 50 से भी अधिक सीटें झारखंड में प्राप्त करें और झारखंड में भाजपा की एक मजबूत सरकार बनाएं जो कि झारखंड का विकास कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समझ